जिला पंचायत सागर के वार्ड क्रमांक 2 से सदस्य पद हेतु योग्य शिक्षित युवा लगनशील निष्ठावान एवं मिलनसार हम सबके प्रिय रविंद्र सिंह लोधी के चुनाव चिन्ह पतंग पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 2 एवं क्षेत्रवासी। वार्ड क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु योग्य प्रत्याशी इंजीनियर योगेश जीवन पटेल के चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु योग्य प्रत्याशी इंजीनियर योगेश जीवन पटेल के चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जनपद पंचायत रहली के वार्ड क्रमांक 10 गुंजोरा उदयपुरा झागरी फुलर से जनपद सदस्य पद हेतु योग्य ईमानदार कर्मठ लगनशील एवं अनुभवी प्रत्याशी आनंद चौधरी के चुनाव चिन्ह तख्ता पर मोहर लगाकर भारी बहुमतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 10 गुंजोरा उदयपुरा झागरी फुलर। सागर में मेयर चुनाव के संग्राम के बीच भाजपा द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत सहित वायरल किए गए एक वीडियो के बाद खलबली मच गई है, जिसमें मेयर की कांग्रेस पद की प्रत्याशी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मतदाताओं को प्रलोभन के तहत रुपए बांटे। खास बात यह रही कि जिस वीडियो के आधार पर बनकर शिकायत की गई वह वीडियो कहीं और से वायरल नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस की ही प्रचार वाली सोशल साइट से सामने आया, जिसके बाद इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को घेरते हुए उनका नामांकन रद्द करने की मांग उठाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को एक आवेदन भेजा है। इस मामले में वायरल हुए वीडियो को आधार बना जहां भाजपा कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं देर रात मामले में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी ने भी वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी और उन्होंने बताया कि यह वीडियो बालाजी मंदिर का 14 जून का है, जहां वह अपने परिवार के साथ गई थी। उस समय उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा था। उन्होंने मामले में भाजपा पर ही पलटवार करते हुए वीडियो से छेड़छाड़ कर ओछी मानसिकता वाली राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। साथ ही मामले का पूरा वीडियो भी सामने रखा जो सोशल साइट पर भी अपलोड है, जिससे मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को वह पैसे बांट रही हैं। बहरहाल मामले में वायरल हुए वीडियो की चर्चा जोरों पर है, जिसमें शिकायतकर्ता का अपना तो कांग्रेस का अपना तर्क है और पूरे मामले में अब शिकायत के बाद गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, जहां उसकी ओर से क्या संज्ञान लिया जाता है देखना लाजमी होगा। पर जिस तर्ज पर वीडियो सामने आया उसमें तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी कटघरे में है और उनकी मुश्किल जरूर बढ़ दिख रही है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला कि कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती निधि जैन जी महिलाओं को 500-500 रुपए के नोट बांटने की जो चेष्टा कर रही है। हमें विश्वास है कि सागर की जनता उनके इस छल में आने वाली नहीं है और मैं उनको ये बताना भी चाहता हूँ, ये नए दौर का भारत है। कांग्रेस की जो परंपरा रही है कि जिस तरह से वो पैसे देकर वोट खरीदने की उनकी एक बहुत लंबी परंपरा सालों तक वो करती आई है, ये सागर में संभव होने वाली नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य चुनाव आयुक्त महोदय और जिला निर्वाचन अधिकारी जी से ये मांग की है कि उनका चुनाव निरस्त होना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यह लोकतंत्र में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है कि आप पैसे देकर जनता के साथ छल कर सके। अभी मेरे शुभचिंतकों ने और पत्रकार भाइयों ने फोन करके मुझे बताया कि मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के लिए कोई शिकायत दर्ज की है। वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 14 जून को मंगलवार के दिन हम लोग बालाजी मंदिर गए थे और मेरा पूरा परिवार मंगलवार को बालाजी मंदिर जाता है। मैं अपने नाती के साथ थी और पूरे मंदिर के दर्शन करके जब हम लोग नीचे आए तो गुब्बारे लेने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। तब हम लोगों ने गुब्बारे लिए और हम लोग घर वापस आ गए। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि 14 जून की ये बात है और 16 जून को मैंने ये नामांकन पत्र अपना दाखिल किया। उस समय को मैं कोई कांग्रेस की प्रत्याशी नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि वो जो वीडियो है वो हमारे ही फेसबुक अकाउंट से रिलीज किया गया है, किसी और ने वीडियो नहीं बनाया। और
इतनी गंदी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी करेगी मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मेरे लिए जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उससे बीजेपी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरी जो ओरिजिनल वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। जो ये वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ उसे आप पूरा अवश्य देखें।